What's up people, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वॉचिंग एच डी रेट्स. वेलकम बैक टू द चैनल. उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर करियर से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे. और हम देखने वाले हैं बड़े हरामी हूँ बेटा एपिसोड 108 का पार्ट नंबर 2. तो लास्ट टाइम हमने जो मीम्स किए थे इस एपिसोड के, वो टोटल पॉलिटिकल मीम्स थे. नॉर्मली हमें इनसे शिकायत होती थी कि मीम्स कम होते हैं, रील्स ज़्यादा होते हैं. इस पार्ट 1 में टोटल पॉलिटिकल मीम्स थे. और आपको पता ही है जिस तरह से इलेक्शन रिजल्ट है, और मैं देख रहा था मतलब सभी को रोस्ट किया हुआ था, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो. तो मैंने कहा लो जी, ये सही जो है ना, ठग लाइफ कंटिन्यू वाला सही सबको रगड़ रहे. बहरहाल आज पार्ट 2 करेंगे और उम्मीद करते हैं मिक्सचर होगा, वैरायटी ऑफ कंटेंट होगा. तो अगर चैनल पर नए हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और पहले से हो तो क्या ही बात है. आई होप सो वीडियो को शेयर कर दोगे. तो शुरू करते हैं 3 2 1 नाइन. और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति में है. अरे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. ये तो देखा था यार, डबल गैंगर्स. लेकिन इलेक्शन तो जीत गए. इसलिए नहीं हो पा रही पढ़ाई, तो कैसे होगी पढ़ाई? कुछ ज्यादा शॉर्ट विच बन के बंडाना फिर दे रे मुंडे पिता यारे बन के बंडाना फिर दे फुट विच बन के बंडाना फिर दे. रशियन नहीं इंडियन, ये देखा है. एक टाइम पे बहुत वायरल हुआ था ये गाना. अंकल वेयर इज माय स्लीपर, आंटी बॉर्न इन रॉन्ग जनरेशन. खुद इतना काला होकर भी हमेशा गोरी लड़की पटाने का घमंड है. काला जादू करता होगा बैठ के. भाई बहुत बेहतरीन वीडियो बना है भाई, सच में दिल खुश हो जावे भाई हमारा तो. भाई ये पूरा सपोर्ट है दिल से. भाई मैं भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, बस एक बार मिल जाए भाई. भाई बस एक बार मिल जाए, बस फिर देख भाई तू. भाई बस एक बार मिल जा, मजाक ना कर लो मैं कसम से. Men are kind and helpful. मुझे लगता है इसको उठाएगा बाद में, बेगम से पिटेगा. किसी को गंदी रील्स भेजते हो या गंदी वीडियोस भेजते हो तो इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या गंदी कमेंट्स करते हो, तो अब तुम्हारी खैर नहीं है. ठीक है, सेक्शन 67A के तहत अगर आप लोग कमेंट भी कर दिए, ले लगा ले सेक्शन 67. बेटा मम्मी ने लिरिक्स नहीं समझा. वैसे ये वाकई नहीं समझा. आंटी मी लाइक कौन है ये, क्या है ये, कितनी अजीब ड्रेसिंग है. ये बताओ जो वड़ा पाव वाली लड़की है उसमें इतना घमंड आ रहा है एक वीडियो वायरल होने पे. आपकी 3 वीडियो वायरल हो चुकी है, आप में बिल्कुल घमंड नहीं है, ऐसी क्या बात है उसमें जो इतना एटीट्यूड दिखा रही है हमें? क्यों दिखा रही? भाई बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है उस लड़की के अंदर. अच्छा? मैं तो 2 बार मिल चुका हूँ. कैसे? अच्छा भाई कहाँ पर मिलो? ओयो में. रोस्ट कर दिया लड़ने.
तो आपने अपनी लाइफ में कभी प्यार वाली मैगी खाई है? ये दीदी बेचती है प्यार वाली मैगी, अच्छा। जिसका प्राइस है 800 रुपीज। जब हमने इनसे प्राइस के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि ये अपनी मैगी में प्यार मिलाती हैं, इसलिए इसका प्राइस 200 रुपीज। आज मैंने देखा, क्या देखा, कि मेरा समय पूरा हो चुका था और मैं कथा सुनाते सुनाते टपक गया। कथा सुनाते सुनाते मुझे लेने के लिए यमराज आए, अच्छा। तो मैंने ध्यान से देखा तो यमराज के पीछे पीछे भगवान थी। ओए होए यार, ये सुनाते लोग सुमान लेते हैं। भगवान हमें लेकर जाने लगे तो भगवान ने खुद कहा, क्या कहा, इन भक्तों से कुछ कहना चाहोगे? बना रहे तो हमने कहा आपकी आज्ञा हो, तब चल ही रहे हैं तो आखिरी कुछ कह लेते हैं। क्या कहना है? मैंने कहा ये बात मैं जीते जागते कह रहा था भगवान से। मैंने कहा प्रभु, जिन जिन भक्तों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए 1 रुपया भी दिया हो, उनका उद्धार होना चाहिए, उनकी सदगति होनी चाहिए। सही बात, ये सारी लेजेंड फिल्में कितने साल पहले ही थी? 14 साल पहले, 20 साल मुन्ना भाई को, मैं जब भाई थे 8 साल का, 16 साल हो गए। कह रहा हूँ हम बुढ़े हो रहे हैं। सारा जहां देखा, देखा ना आँखों में, देखा है तो बताओ, पलकों के नीचे थे। ओके। तो ये थे पार्ट 2 ऑफ बड़े हरामी हो बेटा, एपिसोड 108। अच्छे मीम्स थे इसमें। इस पार्ट 2 में हम कह सकते हैं कि मीम्स भी थी, रील्स भी थी, पॉलिटिकल मीम थोड़े कम थे। ऑल्दो स्टार्ट पॉलिटिकल मीम से ही हुआ था, आगे भी 1-2 वही थे, लेकिन आगे फिर थोड़ा सुकून था तो वी वर लाइक चिलिंग, हम चिल कर रहे थे कि यार सही आप ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है देर आर पीपल विद वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग्स, और होता क्या है कि आप मजाक भी करो ना तो कुछ लोग समझते हैं कि मजाक ही है, कुछ दिल पे ले जाते हैं, और दिल पे जो ले जाते हैं वो जो फिर आपकी मुट्ठी प्लीज करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, वो भयंकर। बहरहाल ओवरऑल अच्छा वीडियो था। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? रीज़न सारे बता दिया। मिशन भी अच्छा था, आंखों में पता नहीं देखा कि नहीं। फिल्म्स भाई, ये सारी हिट फिल्में इतने इतने साल पहले आई हैं, मतलब बाकी बड़े होते जा रहे हैं। और यार ये जो कहानी सुना रहा है, ये मुझे नहीं पता इसका नाम क्या, इसके बड़े सारे मीम्स आते रहते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे, तो ये इस तरह की बातें सुनाते लोग मान लेते हैं, मतलब सीरियसली लोग मान लेते हैं। शॉकिंग स्टेटमेंट है कि लोग मान लेते हैं, मतलब कैसे मान लेते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और जो इसने भाई वडा पाव गर्ड को रोस्ट की है, दो बार मिलती है मुझसे, क्या बात है, मजा आया। मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, नई चीज़ें शेयर करना, कौन सा मीम अच्छा लगा बताना। सी यू गाइस।